दोस्तों, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद अब आने वाले 2022 में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के एक बड़े एग्जिट पोल के बारे में। इस एग्जिट पोल में आपको पता चलेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि उत्तर प्रदेश में होंगे, उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। यहां पर कई सवाल लोगों से पूछे गए हैं, कृषि कानून का असर कितना देखने को मिलेगा, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मॉडल राम राज्य स्थापित करने की जो बात कही जा रही है उसका असर लोगों के ऊपर होगा या फिर उसका इफेक्ट पब्लिक के बीच में है, उससे लोगों को फायदा हुआ है। चलिए आज हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे ही रेड कलर में सब्सक्राइब बटन बना हुआ है और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर 2016 की बात करें तो 403 सीटों में से बीजेपी ने यहां पर 308 सीटें जीती थी और एडीएस के साथ मिलकर के 9 सीटों का अलायंस उनके साथ था, तो लगभग 317 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। समाजवादी पार्टी जो कि अखिलेश यादव की पार्टी है, इसके खाते में 49 सीटें गई थी, जबकि बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी के खाते में 18 सीटें गई थी। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहां पर महज जो है 7 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर पाई थी। साथ ही साथ एसबीएसपी यानी कि अदर की बात करें तो 4 सीटें इनके भी खाते में गई थी। ठीक है, तो ये तो हो गया 2016 का लेखा जोखा, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार उत्तर प्रदेश की 403 सीटें ये तय करेंगी कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में भी किसकी जीत हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर यह तय होता है देश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अब इस बार भी बीजेपी का जादू चलेगा या नहीं, चलिए हम आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मुख्यमंत्री की पहली पसंद के बारे में लोगों से पूछा गया कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है, तो यहां पर योगी आदित्यनाथ को लगभग 42% लोगों ने पसंद किया है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलरिटी है, जो पॉपुलर है लोगों के बीच में, वो अभी भी बनी हुई है 42% के साथ। वहीं अखिलेश यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, अखिलेश यादव को 39% लोगों ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने चाहिए, लोगों ने पसंद किया है। जबकि मायावती की बात करें तो मायावती को भी लगभग जो है 24% लोगों ने कहा है कि वो भी यहां की मुख्यमंत्री बननी चाहिए। इसके बाद अदर यानी कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी वगैरह वगैरह, 9% लोगों ने इनके फेवर में भी कहा है कि इनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चलिए ये तो हो गए मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद की बात। अब हम बात कर लेते हैं वोट शेयर, वोट शेयर क्या कहता है। ठीक है, चलिए वोट शेयर की बात में बात करेंगे, पहले कामकाज की बात करते हैं कि कामकाज जब लोगों से पूछा गया कि इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार बीजेपी का कामकाज आपको पसंद आया है, तब लोगों ने क्या कहा है, इसमें लगभग 34% लोगों ने कहा है कि हाँ योगी आदित्यनाथ सरकार का कामकाज उनको पसंद आया है, जबकि खराब कामकाज कहने वाले 39% लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमको योगी आदित्यनाथ सरकार का कामकाज पसंद नहीं आया है। यानी कि सीधे तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के लोग योगी आदित्यनाथ सरकार से काफी परेशान हैं। अच्छे से खराब कहने वालों की आंकड़ा 5% ज्यादा है, यानी कि रामराज में वो सफलता, वो विकास लोगों को नहीं मिल पाया है जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी, सिर्फ नाम बदलने का खेल हुआ है। बात इसमें कह नहीं सकते वाले भी लगभग 16% लोग शामिल हैं। अब हम आगे बात करते हैं, यहां पर सवाल पूछा गया सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, कृषि कानून का क्या असर उत्तर प्रदेश के इन चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो यहां पर जब इसका जवाब लोगों ने दिया है वो चौंकाने वाला है, लगभग हां
कहने वाले लोगों ने कहने वाले लोगों का आंकड़ा 56% है जिन्होंने ये कहा है कि हाँ इस बार कृषि कानून का असर देखने को मिलेगा और कृषि कानून का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। 56% लोगों ने यह माना है कि हाँ होगा। नहीं कहने वाले 28% लोग हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं कृषि कानून का यहां पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, जबकि कह नहीं सकते 14% लोग ऐसे भी जिनका मानना है कि कह नहीं सकते क्या होगा। ठीक है, ये तो ये हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर एक और सवाल की, वो ये कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कितना विकास हुआ है। तब लोगों से पूछा गया विकास हुआ है, तब यहां पर लोगों ने लगभग जो है 44% लोगों ने कहा है कि हां विकास हुआ है, जबकि 45% लोगों ने कहा है कि विकास नहीं हुआ है। कह नहीं सकते वाले 5% लोग शामिल हैं। चलिए अब हम वोट शेयर की बात करते हैं, ये मेन आंकड़ा है वोट शेयर का, कि वोट शेयर में कौन सी पार्टी बाजी मार रही, उसके बाद सीटों का आंकड़ा तय हो जाएगा। वोट शेयर में अगर देखें तो बीजेपी को इस बार भी 35% वोट मिल सकता है, यानी कि बीजेपी का यह आंकड़ा जो है काफी अच्छा खासा है कि वो अपनी सीटें गेन अच्छी कर सकती है। 35% वोट बीजेपी के पाले में जा सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 34% वोट जाने की संभावना है, यानी कि समाजवादी पार्टी भी यहां पर कड़ा मुकाबला कर रही है बीजेपी के सामने। अगर बात करें बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी का, तब यहां पर 24% वोट इनके भी खाते में जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 12% वोट जा सकता है। तो यह हो गया आंकड़ा यानी कि वोट शेयर का। अब मेन आंकड़े पर आते हैं, सीटों के आंकड़े पर। सीटों का आंकड़ा क्या कहता है, सीटों के आंकड़े में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। चलिए, पिछली बार 308 बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है। 170 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है इस बार 403 सीटों में, यानी कि बीजेपी को फुल बहुमत नहीं मिल रहा है, बीजेपी बहुमत से दूर रहती हुई दिखाई दे रही है। जबकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को 160 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बीजेपी को कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी दे रही है। और अगर यही सीटों का आंकड़ा रहा तो आप यकीन मानिए कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। अगर हम आगे देखें बीएसपी की, तो 50 सीटों पर बीएसपी भी चुनाव जीत सकती है, यानी कि किंग मेकर की भूमिका मायावती इस बार निभा सकती है। जबकि कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। साथ ही साथ अगर अदर की बात करें तो 18 सीटों पर अदर पार्टी के कैंडिडेट भी चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इस बार MIM मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनावी मैदान में है, लेकिन उनके बारे में लोगों से पूछा नहीं गया। जिस तरह से आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा, एक तरफ वोट चला गया ममता बनर्जी के साथ, MIM और अदर पार्टीज को लोगों ने बिल्कुल भी वोट नहीं किया, इस तरह का हाल यहां भी देखने को मिल सकता है। आपका अपना प्रेडिक्शन क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर